मध्य प्रदेश के बैतूल में जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के सचिव का खुला खेल चल रहा है। यहाँ तुलाई के नाम पर तुलावटी के पैसे लेने की बात हो या व्यापारियों की मनमानी की बात हो, सारा काम कमीशन के बल पर जोरों पर चल रहा। सूत्र बताते हैं कि मैडम की जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है तब से तुलावटी से लेकर हम्माल और व्यापारी सभी खासे खुश नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ पर सारा काम कमीशन की बदौलत चल रहा है। मैडम ने सभी को खुली छूट दे रखी है, जिसका खामियाजा बेचारे गरीब किसान भुगतने पर मजबूर है। ताजा मामला बैतूल भोपाल फोरलेन से सामने आया है, जहाँ किसी मुखबिर की सूचना पर धान का ट्रक किसी व्यापारी के द्वारा राजस्थान भेजा जा रहा था। फिर क्या था, मैडम को सूचना मिलते ही मैडम सीधे फोरलेन जा पहुंची और कांटे पर जाकर ट्रक को भी पकड़ लिया, पर अनाज के मालिक पर कार्रवाई करने की बजाय बिना वजह की जांच किए और माल की जांच किए बस एक पर्ची काटकर ट्रक को छोड़ दिया। किस्मत से मौके पर मीडिया भी पहुंच गया। वहां जब मैडम से ट्रक को खुलवाकर अनाज चेक करने की बात कही तो मैडम ने बारिश का बहाना बनाकर खाना पूर्ति कर बस पर्ची काटकर छोड़ दी है। किसका? हमारा बस। तेरा कहाँ के रहने वाले? यारकुल से। गाड़ी में क्या भरा हुआ है? धान। कहाँ से? वो गांव से। कौन से गांव से? यारकुल से। किसका माल है ये? संजू राठौर का। कहाँ जा रहा था? अपने को क्या मालूम, अपन तो भरने वाले। तो गाड़ी कहाँ पकड़ी मैडम ने? यही कांटा पे। कांटे पे? कागज वगैरह नहीं थे क्या? मैम क्या कार्रवाई की गई है अभी? अभी हम रास्ते से शाहपुर जा रहे थे तो हमें एक गाड़ी देखी है वाली, जिसको हम चेक कर रहे थे। अभी स्टाफ ने चेक किया है, अब वो कितना क्विंटल माल निकलता है वो देख के और फिर उसका 5 गुना फाइन जमा करवाएंगे। क्या जानकारी लगी, कहाँ की गाड़ी कहाँ जा रही है? ये अभी राजस्थान जा रही है बूंदी। क्या भरा हुआ है? धान भरा हुआ है इसमें। धान भरा हुआ है। क्या सूचना नहीं मिली हम तो एक्चुअली मंडी है शाहपुर, शाहपुर जा रहे थे तो रास्ते में चलते हुए गाड़ी चेक कर लिए मैं तो इसमें धान मिली, जिनके पास में अभी कागज नहीं है मंडी टैक्स संबंधी, इसलिए हमने रोकी है इसको। कहाँ से पकड़ी है? यही यही वाले रास्ते पे, रोड पे थी। कागजों के बारे में क्या जानकारी? मंडी टैक्स से संबंधित कागज होते हैं जो अभी नहीं प्राप्त हुए। क्या कार्रवाई की? अब हम अगर कागज नहीं मिलते और स्टॉक में नहीं होगा तो 5 गुना फाइन जमा करवाएंगे। Thank you.